केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 564 एमएलडी क्षमता के ओखला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया है। यमुना कार्य योजना 3 के अंतर्गत इस ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। ओखला एसटीपी एशिया में यह सबसे बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। इस प्लांट के निर्माण के बाद यमुना नदी के जल की गुणवत्ता में काफी सुधार होगा। वर्तमान में दिल्ली में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 1268 एमएलडी गंदे जल शोधन के लिए कुल 11 परियोजनाएं 2009 करोड़ रुपए की लागत में एनएससीजी द्वारा यमुना नदी संरक्षण के लिए शुरू की गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कोरोनोशन पिलर कौंडली ओखला तथा रिठाला के जल ग्रहण क्षेत्र में 1268 एमएलडी के कुल शोधन क्षमता का सृजन करना है। इन परियोजनाओं को दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है।